हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्वेरियम हॉबिस्ट। मैं प्रीतिश आप सबका आज के और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम है फिंस एंड फॉर पेट एंड एक्वेरियम शॉप में। ये ब्रह्मपुर के अंदर है जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। उड़िया व्यूअर्स को भाई शॉप टी ओल्ड बस स्टैंड रो वन वे ट्राफिक रोड अच्छी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देवी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आप पेट या एक्वेरियम में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल में वीडियोज़ को एक बार जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो चलिए चलते हैं शॉप के अंदर और मिलते हैं ओनर से। तो ये हैं सुभन। सुभन हमारा व्यूअर्स को हाई कर दियंतु। तो सुभन आपण मत दिगे आपण शॉप ऊपर कोंतु फिंस एंड फॉर केबे हला। तो ना आपण केमे देले शॉप ब्रह्मपुर केबुडो अछि टिए कोंतु। बेसिकली फिंस एंड फॉर इज लाइक ब्रांड इज समवेयर अराउंड 10 टू 12 इयर्स ओल्ड। अच्छा। We registered it as a trademark. I'm a Fins and Fur is a registered trademark. Acha. In our business. Again. And we registered it in 2012. Acha. So basically we are 8 years old on a registered basis. Acha. As a trademark registered, as a company registered, we are like 8 years old. And Fins and Fur is something like we are into exotic animals. Again. Fins is for the board section. Acha, fins and birds. Haan. Fins. And fur is for the animals. Like dogs, cats and other any furred animals. Haan. So in a combination of fins and fur, acha, we decided to put it as a brand name, fins acha. And fur. And, एक जो शॉप टा लाइडा नुआ रे हला बट अपन वाट ब्रांच आगर बरमपुर थिला ना। या ऑफ कोर्स वी वेयर लाइक इन गिरी रोड। अच्छा, गिरी रोड थिला इन फ्रंट ऑफ गीता भवन। वी वर सर्विंग फॉर 5 इयर्स देयर। अच्छा। बट अनफॉर्चूनेटली आवर सेटे हमर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गेला। अच्छा। विद शॉप ओनर। अच्छा। सो वी हैव टू मूव देयर एंड सो दिस इज अ टोटली न्यू लोकेशन एंड हमें इथे प्लान एथी पई कलु बिकॉज़ पेट कीपिंग इन ब्रह्मपुर इज बहुत ट्रेंड रे अछि बट पीपल राइट वे रे जाई पर नथि। देयर इज नो अवेयरनेस। राइट राइट। सो आवर मेन मोटो इज टू अवेयर पीपल फॉर कीपिंग पेट्स इन अ प्रॉपर वे। अच्छा। एंड नॉट कीपिंग इलीगल पेट्स। ओके। हमर ई मार्केट रे बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर कीपिंग इलीगल पेट्स लाइक स्टार टॉर्टोइजेस एंड अलेक्जेंडरियन पैरट। राइट। And many other illegal things. Hala. So we are just creating an awareness for keeping exotic pets. Okay. Exotic pets upar bahut hame awareness create karo chu. Okay. In whether that is in fish section, in bird section, in animal section, reptile section, Achha. Rodent section, anything. Okay. Sabu udare we are planning to make Brahmpur a place of like pet keeping jo habitat achi Brahmpur. Okay. सेटा को वी आर ट्राइंग टू टेक इनटू अ लीगलाइज्ड वे राइट यू नो हाउ बिकॉज़ गवर्नमेंट लाइक 2018 रे पेट शॉप रूल्स आसीला आ गया। सो लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज धीरे धीरे अब आरंभ हो गेला नी दैट स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड स्टार्टिंग टू स्क्रूटिनाइज व्हाट पेट्स आर पीपल आर कीपिंग राइट। सो वी आर थिंकिंग दैट लोको माने हैरास नो होंतु आ गया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आ गया एंड पीपल शुड कीप लीगल पेट्स राइट नॉट पेट्स व्हिच आर इलीगल। ठीक है। तो सुभन मत कोंदो आपण हॉबी केमिदि आसिले। माय हॉबी इज लाइक इट्स आई थिंक मे बी इट्स इन जीन्स जेनेटिक्स। अच्छा। माय फादर इज अ वेरी कीन माय फादर वाज ही इज अच्छा ही वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। अच्छा। मो मामू जे थिले ही इज अ वेरी मच पेट लवर। अच्छा। सिंस बर्थ वी वर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप बिटवीन सेम एनवायरनमेंट भीतर ही आपण आसछंदे। Acha. When we were born, we were having Dobermans in our home. We had Labradors. Acha. And pigeons, parrots, and everything we were having. Acha. So it's like gene. ठीक अच्छे। तो आपन कहले आप सप्रे कौन अवेलेबल करेंगे तो आपको डेलीवरी सिस्टम टे कहे आप ब्रह्मपुर भितर कि ओडिशा भितर डेलीवरी करें इट्स टोटली अप टू पीपल कि लोक केमती डेलीवरी सिस्टम चाहते इफ वांटेड इन विद इन ब्रह्मपुर विद इन ओडिशा और इवन आउटसाइड ऑफ ओडिशा वी आर प्रोवाइडिंग डेलीवरी सिस्टम चार्जेस एज पर एक्चुअल जेते चार्ज आसु तो शिपिंग चार्ज भी सामने को इंक्लूड रे आसु
within Barhampur we don't charge anything. Achha. But other than Barhampur outside within station Odisha bitare acha or out station jodi hegala out of Odisha we deliver. Tale apanakar contact number mu screen de debi lokangu to jodi karo किसी डाउट थी कि नबार थी सी आपको कंटाक्ट करेंगे तो आप व्हाट्सएप अवेलेबल रहे वी आर अवेलेबल 24/7 एनी टाइम एनीवन रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ हेल्प दे कैन कॉल अस और पिंग ऑन अस ऑन व्हाट्सएप ठीक है तो मैं नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे दूंगा तो सुभन भाई का तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं तो अभी मैं आपको थोड़ा शॉप का ओवरव्यू दे देता हूँ तो शॉप में आप एंटर करते हैं आपको लेफ्ट में दिख जाएगा बर्ड्स का सेक्शन है यहाँ पे तो आप देख सकते हो जावा फिंचर्स है बजिस है फिर यहाँ पे आपको कुछ एक्जोटिक बर्ड्स का सेक्शन है इधर आपको यहाँ पे बर्ड्स के केजेस वगैरह तो ये सब मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जेवरा डानियों से आपको नियॉन कलर में आ रहे हैं और पिंक कलर में आ रहे हैं तो ये पूरा फॉग के सेटअप के साथ आता है तो अगर आप ऐसा सेटअप चाहते हैं तो यहाँ पे सारे एक्सेसरीज उसके अवेलेबल हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए और ये सेटअप आपको बता देंगे कैसे करना है क्या करना है तो ये प्लांटेड टैंक है सॉरी आर्टिफिशियल प्लांट्स है तो आप टैंक देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है तो ये है हमारा प्लांटेड टैंक शॉप के अंदर ये सबसे ब्यूटीफुल पीस है तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ के गपीस डाले हुए हैं और टैंक का सेटअप आप देख सकते हो CO2 का सप्लाई दिया गया है आपको राइट साइड में और प्लांट के ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से प्लांट सब ग्रो कर चुके हैं तो अगर आप प्लांटेड टैंक भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सारे उसके रिलेटेड एक्सेसरीज तो आपको ये ग्रेवल हो गया प्लांट्स वगैरह हो गया फिर स्टोन्स CO2 का सेटअप फिल्टर्स तो ये सब सामान यहाँ पे अवेलेबल है बाकी शॉप में आपको सारे रिलेटेड एक्सेसरीज आपके टैंक के लिए तो आप देख सकते हो फिल्टर का बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पे तो आपको सारे साइजेस के टैंक के लिए आपको फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल है तो सम से लेके छोटा स्पंज फिल्टर तक सब अवेलेबल है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कलेक्शन है यहाँ पर फिल्टर्स का फिर इस सेक्शन में आपको ये फूड का सेक्शन हो गया आपका तो सारे फिश फूड्स अवेलेबल हैं फिर आपको टर्टल के फूड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे फिर बर्ड के फूड सेक्शन है फिर आपको कुछ एक्सेसरीज दिख रहे हैं यहाँ पे फिश नेट वगैरह और आपको यहाँ पे टैंक भी मिल जाएगा तो आपको कस्टमाइज टैंक और कंपनी मेड दोनों टैंक्स मिलते हैं और यहाँ पे ऑर्डर करके आप टैंक भी बनवा सकते हो अपना अपना मर्जी के हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से आप टैंक भी बना सकते हो तो जैसे आपने पहले वीडियो में देखा तो ये ऊपर का सेक्शन और एक है जहाँ पे आपको फिशेस मिलते हैं तो ऊपर के सेक्शन उठते ही आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर डिस्प्ले टैंक है यहाँ पर तो वही आपका फॉग के सेटअप के साथ आता है तो ये लगभग 3 फुट है इसका विड्थ और आप देख सकते हो टैंक बहुत ही सुंदर दिखता है फिर आपको यहाँ पे बेटा का कलेक्शन दिख जाएगा यहाँ पे तो नाम भी बेटा कॉर्नर दिया गया है तो अभी शॉप में हमारे बहुत ही अच्छे फिशेस के स्टॉक आए हैं तो अभी हम कुछ स्टॉक यहाँ पे देखेंगे प्राइस वगैरह इनका देख लेंगे तो फिशन फॉर का फर्स्ट फ्लोर आपको जो है ये फिश रूम है इनका पूरा यहाँ पे आपको सारे फिशेस देखने को मिलेंगे तो एक एक करके फिश टैंक हम कवर कर लेते हैं तो अभी शॉप में आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हाई क्वालिटी का ओरंडा फिशेस और रेड कैप फिशेस अवेलेबल है मैं आपको पास से दिखाता हूँ और आप मेरा हाथ का साइज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर तो अच्छे खासे साइज़ के हैं आप बोल सकते हो मतलब हेड टू टो 15 सेंटीमीटर तो होंगे ही बहुत ही बड़े साइज़ के हैं तो आपको ये फिशेस कोई भी पैर आपको 400 में आ रहे हैं अभी तो इस टैंक में हमारे येलो पैरेट फिर रेड पैरेट हैं और फिर आपको सिकलिड वैरायटी में यहाँ पे दिखेगा आपको फायर माउथ दिखेगा और एक आप जो ये येलो में देख रहे हो इसको साल्विनी सिकलिड बोलते हैं
बहुत ही प्रेटी कलर में आप देख सकते हो, येलो के साथ इनको रेड कलर में मार्क भी लगा हुआ है। तो पैरेट आपको रेड पैरेट 700 पैर में आ रहा है, येलो आपका 800 में आ रहा है, और बाकी सिकलर फिशेस आपको 150 पैर में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हो फायर माउथ। तो इस वाले टैंक में आपको मिल्की कोई कार्प अवेलेबल है, और उसके साथ आपको ये वाले वेराइटीज़ के कैट फिशेस अवेलेबल है, इनको बोलते हैं मार्बल क्लैरियस। तो ये भी बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, जब अडल्ट हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 फीट के अराउंड बड़े होते हैं। तो मिल्की कोई आपको 120 पैर में आ जाएगा, और ये वाला कैट फिश का वेराइटी जो है यहाँ पे आपको 150 पैर में आ रहा है। तो इस टैंक में आपके कोई फिशेस हैं, तो बड़े साइज़ के जो कोई है आपको 200 पैर में आ रहा है, और जो छोटे में आपको दिखेंगे 80 रुपीज़ में आपको आ जाएंगे ये वाला। तो शॉप में अभी रेडियस स्लाइडर के टर्टल्स अवेलेबल हैं, बहुत दिनों से ये स्टॉक में नहीं था, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पूछ रहे थे, तो अभी फिन एंड फॉर शॉप में अवेलेबल है। तो जिनको भी चाहिए आप वीडियो पे कॉल, मैं नंबर दे दूंगा सुबन का, आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज करके, या फिर शॉप पे आके ले सकते हो। अभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो जिनको भी चाहिए जल्दी से कॉन्टैक्ट करके ले लेना यहाँ से। तो इस टैंक में आपको छोटे साइज़ के ऑस्कर फिशेस दिखेंगे, और मैं इनका टेल दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो आप, इनको वेल टेल बोलते हैं, टेल इनका थोड़ा नॉर्मल से लंबा होता है, छोटे साइज़ के हैं, और आपको 180 पैर में आ जाएंगे। आप देख सकते हो फिशेस का क्वालिटी कलर। तो आपके नॉर्मल शार्क फिशेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, टाइगर शार्क, वाइट शार्क 60 रुपीज़ पैर में आपको आ जाएंगे। इसके साथ आपका ये छोटा साइज़ का गोल्ड फिश भी अवेलेबल है, वही आपको 50 रुपीज़ पैर में आएंगे। इस टैंक में आपके मोनो एंजल्स, ये भी बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के नहीं हैं, पास से दिखा देता हूँ मैं आपको, 500 पैर में आ जाएंगे। तो इस वाले टैंक में आप देख सकते हो एक्वेरियम के प्लांट्स आए हुए हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ के हैं, तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है एक्वेरियम प्लांट का अभी अवेलेबल है शॉप पे, तो आप आके ले सकते हो। इसके साथ आपको टैंक के अंदर कुछ बड़े साइज़ के एंजल दिखेंगे, कुछ सिल्वर एंजल है, फिर आपको कुछ सिल्वर शार्क और अल्बिनो शार्क, बाकी ये सारे शार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, एंजल फिशेज जो हैं बड़े साइज़ के हैं आपको 300 पेयर में आएंगे, और वाइट एंजल है थोड़े छोटे साइज़ में 120 पेयर में आ रहे हैं, बाकी सिल्वर शार्क और अल्बिनो शार्क आपको 150 पेयर में आएगा, और रेनबो शार्क जो हैं आपके दिखा देता हूँ आपको, ये आपको 120 पेयर में आ जाएगा। इस टैंक में आपके बहुत ही ब्यूटीफुल वेराइटीज़ के आपको देख सकते हो, बनाना सिकलिड है, बहुत सारे सिकलिड वेराइटी है, छोटे साइज़ के हैं, बेबी सिकलिड से आप बोल सकते हो। तो ये आपको वही 120 से 150 पेयर में आ जाएंगे। तो इस वाले टैंक में आपको ऑस्कर फिशेस दिखेंगे, आपको यहाँ पे कॉपर ऑस्कर दिख रहे हैं कुछ, और बाकी कुछ फायर ऑस्कर भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो कलर इनका। सो आपके ये होंगे आप ऑलमोस्ट कहता 5 to 6 इंचेस के बड़े हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो आपको ऑस्कर फिशेस आ रहे हैं 600 में, और कॉपर ऑस्कर आपको वही 500 पेयर में आ जाएंगे। साइज़ बहुत ही अच्छा है, और आप, मैं पास से आपको दिखा रहा हूँ, आप इनका कलर देखिए, क्वालिटी देखिए। तो जिनको चाहिए होगा अभी शॉप में अवेलेबल है। तो इस टैंक में आपको मिक्स वेराइटी के फिशेस दिखेंगे, कुछ गप्पीस हैं, फिर कुछ प्लाटिस हैं, और आपको ये ड्वार्फ गुरामी या जो लिली गुरामी जिसको बोलते हैं वो फिश भी अवेलेबल है यहाँ पे, दिखा देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं लिली गुरामी या ड्वार्फ गुरामी। तो आपको ये ड्वार्फ गुरामी जो है 80 रुपीज़ पेयर में आएगा, बाकी प्लाटिस आपको 40 रुपीज़ पेयर में, और गप्पीस जो है 30 रुपीज़ पेयर में आएंगे, और ये सारे मेल गप्पीस हैं।
इस टैंक में आपके मिक्स कलर में मौली फिशेस हैं, आप देख सकते हो। कुछ चॉकलेट मौली है, ब्लैक है, वाइट है, फिर ऑरेंज में है, तो सारे कलर्स में आपको मिलेंगे यहाँ पे, अवेलेबल है। 40 रुपीज़ पेयर में आपको आ जाएंगे ये। तो इस टैंक में हमारे बार फिशेस हैं और बड़े साइज़ के मौली फिशेस हैं, और ये फिशेस जो हैं आपके ऑलमोस्ट 3 इंचेस से बड़े हैं मौली। तो आपको बार जो हैं रोज़ी बार में 40 रुपीज़ पेयर में आ रहे हैं, और मौली ये बड़े साइज़ के हैं आपको 60 रुपीज़ पेयर में आ जाएंगे। इस वाले टैंक में भी आपको बहुत सारे एक्वेरियम प्लांट्स अवेलेबल है अभी, तो जैसे मैंने पिछले टैंक में दिखाया था, तो इसमें भी और कुछ नए वैरायटी के प्लांट्स अवेलेबल है, तो जिनको इंटरेस्ट है आप ले सकते हो, बहुत सारे वैरायटी के अवेलेबल है। इसके साथ टैंक में आपको जेवरा डनेस दिखेंगे, तो आप जिस कलर में बोलोगे उस कलर में है, येलो है, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, तो सारे कलर्स में है। और इसके साथ आपको इसमें फीमेल गपीस भी अवेलेबल है इस टैंक के अंदर, तो फीमेल गपी आपको 20 रुपीज़ पेयर में आ जाएगा, और बाकी डानियोस आपको पेयर 50 रुपीज़ में आ जाएगा। तो प्लांटेड टैंक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये, छोटे छोटे फिशेज हैं, टेट्रा वैरायटी के होते हैं, और प्लांटेड टैंक में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, आप जैसे देख सकते हो इस टैंक में। तो इस टैंक में हमारे बड़े साइज़ के सिक्लिड के वैरायटीज अवेलेबल है। तो ये जो डॉटर वाला आप आगे देख रहे हो, ग्रीन टरर है, पीछे चला गया वो, और बाकी जिसमें आपको ब्लू कलर का टिंट मिल रहा है, ये जो आगे जो फिशेस है अभी दो, तो को इलेक्ट्रिक ब्लू बोलते हैं, बाकी असॉर्टेड सिक्लिड है जो वाइट कलर में है। तो आपको ये वाइट वाला सिक्लिड जो है 300 पेयर में आ रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू 500 ब्लू में पेयर में आ जाएगा ये वाला, और बाकी ग्रीन टरर जो है वो भी आपको वही सेम 500 रुपीज़ में आ जाएगा। शॉप में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटीज़ के एशियन एरोवाना है, और ये आपके 1 फुट से भी ज़्यादा 1.5 फुट के अराउंड लंबे हैं, सारे चिप के साथ आते हैं। तो अगर किसी को ये वाला जो है अभी सेल के लिए नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है ये बड़े साइज़ के एरोवाना के लिए, ये पूरा चिप के साथ आते हैं, सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, तो आपको शॉप में अगर इंटरेस्ट है तो ये अवेलेबल करा सकते हैं रेडीली। कहते हैं प्राइस रेंज क्यों दे सकते हो छोटो साइज रो ये साइज रो नहीं ना समेर माने बहुत अलग अलग वैरायटी है एक छोटे रेटेल गोल्डन अरवाना अच्छा ये हो जी बंजार रेड अरवाना एशियन अरवाना से सब चीपेस्ट है जो छोटो साइज के लिए अच्छा 5000 4500 5000 भीतर मिल जाएगा। छोटो साइज माने कितने है छोटा 6 to 8 inches अच्छा और ये हो जो हाई बैक गोल्डन अरवाना ना अच्छा तो आपके जो चिप वाले सर्टिफिकेट एरवाना आते हैं तो उनका ये नंबर रहता है, आप देख सकते हो सर्टिफिकेट नंबर आपको रहेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इनका ये सीरियल नंबर देख के आप इनको बता सकते हैं। ये नंबर टाइम चिप प्रूफ आ रही हो ना जो फार्म रहा अच्छा। इटा वासी फार्म रहा है अच्छा इटा भी वासी फार्म रहा है सुपर हाई बैक हाँ अच्छा तो वासी फार्म गोटे वेबसाइट था अच्छा से वेबसाइट जाइए आप ऑथेंटिकेट कर पारे वेदर दिस इज ब्रेड बाय से फार्म रो राइट ऑथेंटिकेशन पे इटा अच्छी बिकॉज़ राइट राइट अरवाना गुडा कोन एशियन अरवाना सोचली एक्सटिंक्ट है इतले एट ए टाइम अच्छा लोक पाई अच्छा सेटा को पुने रिसर्च माने रॉकी की कैप्टिव ब्रीड करी की अच्छा पुने तंगो पॉपुलेशन दा बड़ा है तो गवर्नमेंट का हिसाब रे जेतु साइटिस अंडर आसे साइटिस गुडे कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज अच्छा जेतु एंडेंजर्ड थिले तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट जदी आपन करू छथि गुडे एंडेंजर्ड स्पीशीज अच्छा तर इटा होजे साइटिस माने सर्टिफिकेट राइट राइट विदाउट दिस सर्टिफिकेट आपन इंडिया को आनि पाइ अच्छा ठीक अछि सुपर हाई बैक रहा हम ठीक है थैंक यू। तो आपको अभी शॉप में सिल्वर एरवाना भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो ये आपके उड़ा 1 फीट है जी हो तो आराम से 12 इंचेस के लॉन्ग है, आपको पर पीस 2500 में आएगा ये। तो ये नॉर्मल सिल्वर एरवाना है, और जो हमने प्रीवियसली दिखाया
तो अगर कुछ आप एशियन या हाईवे क्लास लेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा आपको ज़्यादा आएगा, जैसे इन्होंने बोला कि अराउंड 5000 से शुरू होता है उनका प्राइस। तो अभी शॉप में ये सिल्वर अलावा भी अवेलेबल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर उनके वेराइटीज़ अवेलेबल है। आप जो अभी ये देख रहे हैं ये मैग्मा वेराइटी का है। प्राइस कौन सेम किया ना कितना चीज़ है? अच्छा, तो ये आपको 1800 में आएगा। बाकी आपको रेड ड्रैगन जो होता है अवेलेबल है, अभी आप देख सकते हो। तो मैं पास से दिखा रहा हूँ। तो ये सारे आपको 1500 रुपीज़ में आ जाएंगे रेड ड्रैगन वाले। और मैग्मा जो ये वैरायटी है आपको 1800 में आएगा। तो अभी शॉप में अवेलेबल है ये सब। तो ये क्रे फिशेस हैं, आप इनको लॉबस्टर भी बोल सकते हो। शॉप में अवेलेबल है, आपको कलर पता नहीं चल रहा होगा, ये पूरा ब्लू कलर का है। जो आपको ब्लैक किस दिख रहा होगा वो पूरा ब्लू में होता है, और दूसरा जो है रेडिश ऑरेंज कलर में आता है। कितना स्वेड होगा? 400 पेयर। तो आपको 400 पेयर में आ जाएगा। मैंने को टैंक पर प्लांटेड रोई बनाने अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके सवाल या सुझाव मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। पेट एंड एक्वेरियम रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो अपलोड पे आपको नोटिफिकेशन आ पाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा और एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।